वेलकम टू ट्रैवल विथ रीमा। मैं धूप जोर से चापरामारी के जंगल होते हुए मेरी अगली डेस्टिनेशन रंगों की ओर चल पड़ी हूँ। आप अगर मेरे धूप जोर वाले वीडियो नहीं देख पाए हों तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर किया हुआ है, प्लीज़ देख लेना। चापरामारी के जंगल आने से पहले ही हमें मूर्ति नदी मिल गई। सोचा कि कुछ पल यही बिता लूँ। मूर्ति नदी के आसपास बहुत ही खूबसूरत है। मूर्ति नदी को बहते हुए देख के काफ़ी सुकून मिलती है। यहाँ काफ़ी सारे प्राइवेट होटल हैं। इसके अलावा वेस्ट बंगाल टूरिज्म की भी एक होटल है। वो देखिए, बाएं तरफ चापरामारी जंगल की एंट्री गेट है। रास्ते में एक बार रुकना ही पड़ा जलढाका नदी के लिए। ये जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, पर मुझे एक चीज़ बहुत ख़राब लगा कि यहाँ आसपास नदी के किनारे गंदा बहुत करके रखा गया हुआ है। लोग आते हैं यहाँ पे थर्मोकोल प्लेट वगैरह बोतल प्लास्टिक फेंक के जाते हैं। ये रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ आप जो भी आओ ना, ये जगह को गंदा मत होने देना और ना ही करना। इस जगह के नाम है गौरी बस। हम लोग बाएं तरफ के रास्ता पकड़ के जा रहे हैं रोंग, और रास्ता सीधा जा रही है छालुंग हो के बिंदु तक। रास्ते के दोनों साइड में रबर प्लांटेशन और सिनकोना प्लांटेशन देखते देखते हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहुत खूबसूरत है ये रास्ता। राजू के बारे में पहले ही आपको बता चुकी हूँ, जिनके कार में मैं घूम रही हूँ ये ट्रिप। रोंगो बस पहुँचने वाले हैं तो रोंगो पहुँच के उनके साथ मुलाकात करवा देती हूँ। हाय, मैं राजू, मैं डुअर्स में रहता हूँ। मेरा स्विफ्ट गाड़ी है, बाकी गाड़ी अगर चाहिए होगा तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। डुअर्स के कुछ अननोन डेस्टिनेशन भी मेरे पास है। ये है रोंगो, मेन रोड से थोड़ी नीचे नदी के पास है हमारे होम स्टे रिवर वैली। चलिए दिखा देती हूँ। अब रूम देख लीजिए, तीन ही रूम है, अभी और बन रही है। सिंपल है पर साफ सुथरा है, और बाथरूम में कोई गीज़र नहीं है, मांगने पे गर्म पानी प्रोवाइड कर देंगे। रूम में कोई टीवी नहीं है, बहुत ही बेसिक है। तीनों रूम के साथ ये बालकनी कॉमन है, और ये बालकनी रिवर फेसिंग है। पूरा दिन ही नदी की आवाज़ गूंजती रहती है। यहाँ रूम टैरिफ 1400 रुपया पर डे पर हेड है। इसमें ब्रेकफास्ट से डिनर तक इंक्लूडिंग है। लंच के पहले चलिए एक बार जगह घूम के देख लेते हैं। ये एक छोटी सी लकड़ी की ब्रिज है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। और अभी गर्मी के मौसम है इसलिए नदी में पानी कम है। अभी लंच टाइम है, और लंच में है दाल चावल, अंडा करी, बैंगन फ्राई, करेला फ्राई और पापड़। मेरे ख्याल से और एक आइटम होता तो अच्छा होता। लंच के बाद यहाँ चार व्यू पॉइंट है, जाकी पार्क, नक्शल खुला, पाइन फॉरेस्ट और रोंगो मॉनेस्ट्री। सेलिम भाई के कार में ही हम लोग निकल पड़े देखने। ये चारों व्यू पॉइंट घूमने में आपको कॉस्ट पड़ेगा 1000 रुपीस। ये जाकी पार्क है, बहुत बढ़िया तो नहीं पर ठीक है, अच्छा है। अब चल पड़े नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, नक्शल खुला, बहुत बढ़िया जगह है।
इस नदी के नाम है नौक्षल खोला, खोला अर्थात नदी। ये बरसात के बाद आने से और ज़्यादा बेहतरीन दिखेगा। अब गर्मी के मौसम है इसलिए पानी कम है। ये रोंगो मॉनेस्ट्री है, छोटी सी है, एक लामा इसका देखभाल करते हैं। आज वो नहीं है इसलिए मॉनेस्ट्री बंद है। आसपास थोड़ा सा घूम लेती हूँ, काफ़ी शांत जगह है, सुंदर है। अब आई पाइन फॉरेस्ट देखने। शांत है, सुंदर है, पर कॉमन है। ऐसी जंगल इस रास्ते में हमें पहले भी मिली थी। लौट आई होम स्टे में, बारिश शुरू हो चुकी है। एक्चुअली यहाँ पे धूप बादल की खेल चलती ही रहती है। यहाँ मिट्टी हर वक्त गीली रहती है धूप न आने की वजह से, इसलिए काफ़ी जोक हैं। मैं बोलना भूल गई थी, मुझे काफ़ी बार जोक ने अटक किया। जोक यानी लीच। शाम की चाय आ गई, साथ में मोमो। बालकनी में बैठे बैठे बहुत बढ़िया लग रही है। अब बारिश रुक चुकी है, शाम भी ढल गई है। मन किया थोड़ा गांव घूम के देखूं, तो गांव घूमने निकल गई। रात की 9 बज चुकी है और हम लोग डिनर टेबल में आ गए हैं। डिनर में चिकन रोटी और आलू भाजी है। जो लोग वेजिटेरियन हो पहले से बोलने से ये लोग दे देंगे। बारिश अभी भी हो रही है, लगता है कि पूरी रात भरी बारिश होगी। काफ़ी देर तक बालकनी में बैठी थी, अब नींद आ रही है, सोने जा रही हूँ। कल सुबह को फिर मिलते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वाओ व्हाट अ नाइस वेदर। पूरी रात बारिश होने की वजह से नदी में पानी काफ़ी बढ़ चुकी है और सुंदर हो गई है। कल पूरी रात बारिश होने की वजह से नदी में पानी बहुत भर गई है, इसलिए बहुत खूबसूरत हो गई है झालंकोला।
ब्रेकफास्ट टाइम है, आगे ब्रेकफास्ट टेबल में। ब्रेकफास्ट में है रोटी, आलू की सब्ज़ी और ऑमलेट। अगर आप लोग पूरी सब्जी या फिर चाउमीन के लिए इंटरेस्टेड हो तो पहले से बोल देने पे मिल जाएगा। चलिए आपको ईस्ट होमस्टे के ओनर सलीम भाई से मिला देते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सलीम भाई है। मैं रंगू रिवर वैली होमस्टे से बोल रहा हूँ। और ये होमस्टे मैंने अभी अभी एक साल हुआ है खुला हुआ। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जैसे कि फ़ोन नंबर, फ़ोन करके आप बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप लोग डायरेक्ट पहाड़ में डायरेक्ट नेचर के सामने बैठना चाहते हैं तो यहाँ आइए। यहाँ मेरा रंगू रिवर वैली होम स्टे के बगल में आपको नदी का नज़ारा रूम से आ जाएगा। तो अगर आपको आना, आपको एक बार विजिट कर लीजिए, थोड़ा इधर का भी ये रंगू साइड का भी थोड़ा इंजॉय कर लीजिए। धन्यवाद। रंगों को अब अलविदा बोलने की समय आ गई है। शांत सुकून वातावरण में एक या दो दिन गुजरने के लिए बहुत अच्छी जगह है। बहुत अच्छे अच्छे यादें लेके जा रही हो। रोंगो आने के लिए मल जंक्शन से आपको रोंगो तक छोटा गाड़ी की चार्ज पड़ेगा 1800 रुपया। अगर आप शेयर जीप में आना चाहते हो तो कोई भी लोकल ट्रांसपोर्ट से आप चालसा तक आओ, 20-30 रुपया चार्ज करेगा। चालसा से रोंगो तक शेयर जीप पर हेड 200 रुपया चार्ज करेगा।